सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीमा स्टिचिंग क्लास में। आज मैं आपको गला बनाना बताऊंगी, और ये मेरा अस्तर वाला सूट है। अस्तर वाले सूट पे गला कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झंझट के। सो देखो, ये मेरा हमें इसमें अस्तर और इसमें मेन फैब्रिक में किसी में भी गला कट नहीं करना है। ये रहा, हमें इसे ऐसे ही रखना है। इसका ही मैंने अस्तर कट कर लिया है। इसमें भी हमें गला कट नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, इसको सीधा रखना है और अस्तर को हमें इसके ऊपर बिल्कुल बराबर सेंटर में इस तरीके से रख लेना है, बिल्कुल बराबर। इसको मैं पिनअप कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं फ्रंट और बैक दोनों बनाना बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अभी हमने इस पर पिनअप कर लिया। अब हमें इधर से नहीं सिलना है, इसको इसे इस तरफ से सिलना है। ये देखिए, इसमें ये हमें सिलाई इसके बिल्कुल कढ़ाई के बराबर बराबर लगानी है। जिस तरीके से हमारी गले की शेप है, हमें बस उसी के बराबर सिलाई चलानी है। अगर आप गला छोटा करना चाहें तो सिलाई को थोड़ा अंदर घटा के लगा सकते हैं। मुझे गला इतना ही बनाना है जितना ये है। सो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि सिलाई को कट नहीं करना है। इसको इसमें हमें छोटे छोटे कट्स डालने हैं इस तरीके से। इसे हम ऐसे पलटेंगे, पलट के हमें इस तरीके से अस्तर पे, बिल्कुल अस्तर पे हमें इस फैब्रिक पे नहीं लगानी है, अस्तर पे लगानी है सिलाई। इससे हमारा गला बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको सिलाई को ऐसे, इससे गले में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा फ्रंट गला बनकर रेडी हो चुका है। इसमें कोई झोल भी नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें अस्तर लग चुका है। और आप चाहो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा सकते हैं। इससे हमारा गला भी देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली। इससे हमारा गला बिल्कुल सेट रहेगा। ये देखिए, अभी मैं तुम्हें बैक गला बनाना बताऊंगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।
बैक गले में फ्रेंड्स हमें अपना जो गला है बैक वाला वो हमने कट कर लिया है अस्तर पे। चाहो तो आप ये हमने इस पे कट कर लिया है, जितने कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और गला हमने इस फैब्रिक पे कट नहीं किया है, अस्तर पे ही कट कर लिया है। अब हमें इस पे बेको से बीच सेंटर में सेट करना है इसे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे इस पे ढंग से बिछा लिया और इसको पिनअप कर लिया। आप चाहो तो अगर आपके पास ये छूट पिन नहीं है तो आप इसे हाथ से भी कच्चा कर सकते हो। तो हमें इस पे इसी की शेप में आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाना। इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसे कट कर लेते हैं। इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसे भी हमें पलट देना। सो गाइस देखिए अब मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बताइए आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और ये देखिए बैक और फ्रंट गले हमारे दोनों बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये गला बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।